Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing motion, and this is lecture number 9. I hope you have already watched part 1 to part 8 before watching this part 9. This lecture includes numericals. आज हम numerical solve करने वाले हैं और इसमें तभी numerical समझ में आएगी जब आप पहले सारी theory आपकी clear हो. तो इसलिए अगर आपने पहले के videos नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, और अगर देख लिए हैं तो फिर ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा और आप न्यूमेरिकल्स आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. तो आइए देखते हैं कि पहले न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं. कुछ न्यूमेरिकल किताब के बीच में दिए गए हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ एक्सरसाइज के आखिरी में दिए गए हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं. तो शुरुआत करते हैं यहाँ से. जो छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है, पहला चीज लिखा है कि व्हेन यू विल से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सलेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन. ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है जो हमने पहले बता रखा है कि पहले के लिए कहेंगे कि व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सलरेशन इज एक्सलरेशन ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म एक्सलरेशन इज यूनिफॉर्म. एक तरीका यह है. दूसरा तरीका है, मेथड टू ये है कि स्लोप स्लोप इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर कांस्टेंट हो, एज कांस्टेंट द फिक्स्ड ड्यूरिंग द मोशन देन एक्सलेशन इज यूनिफॉर्म, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, दूसरे के लिए यही लिख सकते हो कि व्हेन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज वेरिएबल नॉट फिक्स्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, देन मोशन एक्सलेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, देन एक्सलेशन इज नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, ये चीज. और इफ स्लोप एट डिफरेंट पॉइंट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज वेरिएबल इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट. ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे कि ये है क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन. अगला सवाल है, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सलरेशन ऑफ द बस. तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितनी है, यू है 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहिए. तो 5/18 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 9 हो गया, ये 40 हो गया, ये हो गया 200/9 मीटर पर सेकंड. वी फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 × 5/18, यहाँ भी कह सकते हैं ये 9, ये 30, और 35 जो 150/9 और भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन हमने कैंसिल नहीं किया इसलिए ताकि 99 एलसीएम आराम से निकाला जा सके. और टाइम कितना लगा है जी, 5 सेकंड, टाइम है 5 सेकंड, टाइम है 5 सेकंड. और आपको बताना है एक्सलेशन, एक्सलेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी. वी है हमारा 150/9, यू है 200/9, और टाइम है हमारा 5.
तो ये -50/9 बच जाएगा, 9 9 कैल्सियम 9 हो गया, 150 -200 -50/9 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज -50/9 into 1/5, और ये 5 से कट गया 10 टाइम्स, तो ये हो गया -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन यूनिट होती है। और निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये रिटार्डेशन है, निगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ठीक है, ये हो रहा है रिटार्डेशन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, देखिए, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो, एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट एन स्पीड ऑफ, और फाइनल स्पीड कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 40 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये 9 से कट गया, ये 20 से कट गया, तो फिर ये हो गया 200/9 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दिया है, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स का मतलब 10 × 60 सेकेंड मतलब 600 सेकेंड, है ना। एंड फाइंड इट्स एक्सलेशन, फिर निकालना है एक्सलेशन, तो वी माइनस यू बाई टी, वी कितना है 200/9, यू क्या है जीरो, और टी क्या है 600, सो दिस विल बी 200/9, और 600 नीचे है, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 2 3 6 हो गया, और ये हो गया 1/27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे न्यूमेरिकल आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे, है ना। ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए क्या दिया होता है और क्या कैलकुलेट करना होता है। ट्रेन स्टार्टिंग, स्टार्टिंग कोई भी चीज जब स्टार्ट होता है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो, और अटेन ए स्पीड ऑफ, दिस इज द फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 40 किलोमीटर पर आवर, इन 10 मिनट्स, तो टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स, और टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड होता है इसलिए सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और स्पीड मीटर पर सेकंड में होता है इसलिए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत आपको होगी, और इस तरह के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, है ना। आइए अब आगे के न्यूमेरिकल करते हैं। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से, मतलब यू क्या है जी, जीरो, है ना। अच्छा, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मिलीमीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, टाइम दिया है 2 मिनट्स, लेकिन टाइम हम जानते हैं किसमें होता है, सेकेंड में, तो हम बदल देंगे 120 सेकेंड। फाइंड स्पीड एक्वायर्ड, यानी फाइनल वेलोसिटी बतानी है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी वो भी बतानी है, तो आपको बतानी है इसमें एस, और बतानी है क्या कि स्पीड एक्वायर्ड यानी वी, ये जो दो चीजें बतानी, तो वी इज इक्वल टू आपको पता है यू प्लस ए टी होता है, यू जीरो है, ए है 0.1 और टी है 120, इसको आप लिख सकते हो कितना, 0.1 को 1/10 × 120, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाने पे नीचे 1 आता है और एक डिजिट के बदले एक 0, तो ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया फाइनल वेलोसिटी। तो ये चीज जो हमें निकालनी थी वो तो आ गई। दूसरा अब एस निकालना, तो एस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में सीखा है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यू यहाँ क्या है जीरो, तो 0 × t 0 हो जाएगा, हाफ ए कितना है 0.1 और टी कितना है 120 स्क्वायर, तो 120 × 120 दो बार लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1/2, ये 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, ये 120 × 120, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, 12 6 या 72, 0,
और इतना मीटर, ये डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 720 मीटर। तो आपको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीन ही इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी यूनिट्स और जिसके फिजिकल एंटिटीज दिए हुए, जिसमें यू पता है, टी पता है, दूसरा भी इस्तेमाल करते वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तब भी आंसर आ जाता, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल है, ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 690 किलोमीटर पर आवर। ट्रैवलिंग शुरुआत में ही उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये क्या हो गया? सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर तो हमें पसंद है नहीं, तो हम 18 से 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ब्रेक इज अप्लाइड एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ऑफ माइनस, माइनस में यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है, तो ए है मतलब रिटार्डेशन है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में आ रहा है, इसलिए क्या है? जीरो। निकालना है क्या? हाउ फार इट विल गो, मतलब डिस्टेंस निकालना। ठीक है, क्या निकालना है इसमें? डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हमारे पास टाइम यहाँ है नहीं, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा नहीं सकते, तो दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है? जीरो। u कितना है? 25 का स्क्वायर, और 2a कितना है? -0.5, और s कितना है वो तो निकालना है। तो अब आपका आंसर आ गया ऐसे कि 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625, 5 टू जा 10, माइनस s इज इक्वल टू 0, इसलिए s इधर आके क्या हो गया? प्लस 625 मीटर। ये हुआ ट्रेन रुकने से पहले 625 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये 5 × 2 = 10 होता है, 1.0 हो गया, मतलब 1 हो गया, है ना, और प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ सिर्फ एस बचा, तो एस इधर आगे क्या हो गया? प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 cm/s², व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन इंक्लाइन प्लेन, कोई ट्रॉली है ऊपर से नीचे इंक्लाइन प्लेन पे आ रहा है, हैज एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 cm/s². व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी बतानी है आफ्टर स्टार्ट। आफ्टर स्टार्ट का मतलब हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या लगाओगे बताओ? कौन सा फॉर्मूला लगेगा फाइनल वेलोसिटी के लिए? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होगा, लेकिन ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखा है और हमारा क्या होता है, तो वेलोसिटी भी सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा, या मीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा क्या? 0, और प्लस a क्या है? a है 2, और t कितना है? 3, यानी ये हो जाएगा 6 cm/s, ये हो जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखा है, या ये लिख सकते हो 0.06 m/s। एक्सेलरेशन को भी आप चाहो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदल सकते हो, तो यही आ जाएगा, ठीक है ना, और बाद में भी बदल सकते हो तब भी आ जाएगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपने लिख लिया होता, ध्यान से समझ लीजिए कि 2 cm/s² को क्या लिखा जा सकता था, 0.02 m/s², और तब आप ऐसे लिख देते v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u आपका 0 है, a कितना है, तो a हो गया 0.02, और t कितना है? 3, तब भी आ जाता ये 0.06 m/s, सेम आंसर आता, ठीक है ना। तो या तो आप पहले बदल लो या बाद में बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आंसर रहने दोगे
तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह आंसर ऐसे निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। आफ्टर स्टार्ट का मतलब हो गया, स्टार्ट कब होता है, जब रेस्ट में रहता है तभी तो स्टार्ट होता है। पहले से कोई चीज चल रही होती है तो स्टार्ट थोड़े ना होगी, रेस्ट में होगी तभी स्टार्ट होगी। तो ये अंडरस्टूड बात है, जैसे ही लिखा हो तो आप U0 पुट कर सकते हैं। व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर, अब बताना क्या है कि डिस्टेंस कितना कवर किया, कितने देर में, तो 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड में कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, सोच के बताओ जरा मुझे। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही लगेगा, दो ही में तो एस होता है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस में, और एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर वाले में। तो अब इसमें हम लिख देते हैं कि एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी में लगाएंगे क्योंकि तो वी हमें मालूम नहीं है। यू 0 होने से 0 × t 0 ही हो जाएगा। हाफ ए कितना है, 4, टी कितना है 10, लेकिन टी स्क्वायर है तो 10 को दो बार लिख देंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया और 2 × 2 = 4 हो गया, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो गया हमारा, कैलकुलेट करके बताइए। 10 × 10 100 × 2 200, तो 200 मीटर, ये हो गया आंसर। तो मुश्किल तो नहीं है, न्यूमेरिकल आसान है ना। ओके, इस तरीके से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल यहाँ है, इसको भी देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें, जरा पढ़े। सॉल्यूशन, ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, फेंका गया है नीचे से ऊपर की ओर, किस स्पीड से फेंका गया जी, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब यू दिया हुआ है, कितना यू दिया हुआ है इसमें, 5 मीटर पर सेकेंड, यू है आपका 5 मीटर पर सेकेंड, ये देख, यू है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी दिया हुआ है, इस एक्सेलरेशन को जी कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और नीचे से चूंकि ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन निगेटिव होता है, ये दिमाग में रखे, हमने बता रखा है। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की वेलोसिटी ऊपर की ओर है और एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, इसलिए हम निगेटिव ले रहे हैं। वेलोसिटी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं, ध्यान से देखें, बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं, और एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड, नीचे, अर्थ नीचे की ओर खींच रहा है। तो ए की डायरेक्शन इधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, इसलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए हम एक्सेलरेशन को माइनस लेते हैं, और इस एक्सेलरेशन का क्या नाम होता है, जी, ठीक है ना। तो नीचे से जब ऊपर की ओर कोई बॉडी जाती है तो जी को हम निगेटिव मानते हैं, और ऊपर से नीचे आता है तो जी को पॉजिटिव मानते हैं, ये बात हमने आपको लेक्चर्स के दौरान बता रखी है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ऑफ मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन, एच कितना हाइट तक जाएगा, ये बताना है, यानी डिस्टेंस बताना है। अटेन बाय स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और टाइम कितना लगेगा वहां तक पहुंचने में, ये दो बातें आपको बतानी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है, यू जी एच है, हमने सीख रखा है फाइनल वेलोसिटी, ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0, जब नीचे से स्टोन फेंका गया है तो ऊपर में जाके हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो ये स्टोन जो नीचे से ऊपर फेंका गया है, इसकी स्पीड यहां से यहां तक मान लेते हैं, तो ये हाइट एच हमें निकालनी है। यहां पर स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पर स्पीड हो गई 0, ये हाइट हमें कैलकुलेट करना है कि कितना हाइट तक जाएगा और टाइम कितना लगेगा। तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये हमने बता रखा है आपको कि जब जी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ए के जगह पर माइनस जी लिखना है, ए भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जी लिखना चाहिए। ये है 0, ये u कितना था हमारा बताओ, u था 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये 5 हो गया,
जी कितना है 10 और टी निकालना है, तो ये हो गया 10 t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 5/10, दैट इज 0.5 सेकेंड, आधा सेकेंड लगेगा, आधे सेकेंड बाद बॉडी ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और आधे सेकेंड जाने में लगेगा तो आधे सेकेंड आने में भी लगेगा। तो अगर ये पूछा जाए कि कितनी देर में आपके पास वापस आ जाएगा, तो 1 सेकेंड, और कितनी देर में ऊपर जाके रुक जाएगा, तो 0.5 सेकेंड, ये आंसर हुआ। दूसरा क्या निकालना था हमें, हाइट। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, यही हमने लिखवा रखा है जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो u क्या है हमारा, u है 5, t क्या है जी, t निकल के आया है 0.5 यानी 1/2, माइनस हाफ जी कितना है 10, t कितना है 1/2 × 1/2, ये 0.5 4/2 × 1/2 लिख दिया, ये 5 से कट गया है ना, तो ये हो गया 5/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 5/4, ये हो गया 5/4 का मतलब 1.25 मीटर। तो 1.25 मीटर यानी 1.25 मीटर ऊपर जा करके ये बॉडी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ये जो एच है ये कितना होगा, 1.25 मीटर होगा। कितनी देर बाद रुक जाएगी जी, तो 0.5 सेकेंड बाद रुक जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये अगर पूछा जाए, तो 1.25 मीटर गया, 1.25 मीटर आया, तो ये टोटल हो जाएगा कितना, 2.50 मीटर। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, टोटल टाइम टेकन 1 सेकेंड हो गया। लेकिन ये सब ये क्वेश्चन में पूछा नहीं जा रहा, तो जब पूछा नहीं जा रहा तो बता क्यों रहे हैं, है ना, इसलिए कि आपको जानकारी हो जाए, कल को क्या पता किसी और क्वेश्चन में पूछ ले, है ना, इसलिए बता रहे हैं। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, फ्लाइट क्या होता है, हवाई जहाज में आप जाते हैं कहते हैं फ्लाइट से जा रहे हैं, क्यों, वो हवा में रहते हैं, तो जो पार्टिकल जितनी देर हवा में रहता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 0.5 सेकेंड यानी आधा सेकेंड ऊपर जाने में लगा है, तो आधा ही आने में भी लगेगा, तो दोनों मिलके 1 सेकेंड हो जाएगा, है ना, और 1.25 मीटर ऊपर तक गया है, तो फिर वहां से नीचे भी तो आएगा कि ऊपर ही रह जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो होगा 2.50, 1.25 प्लस 1.25। लेकिन इस क्वेश्चन में ये सब नहीं पूछा जा रहा है, इसमें खाली ये पूछा जा रहा है कि व्हाट हाइट अटेन, कितनी हाइट तक अटेन करेगा, तो हम उतनी ही बात बताएंगे जितनी पूछी जाएगी। एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर, वहां तक जाने में सिर्फ कितना टाइम लगेगा, तो वहां तक जाने में लगेगा आधा सेकेंड, और वहां तक जाने में कितना डिस्टेंस हाइट कवर करेगा, तो 1.25 मीटर। तो ये इस सवाल का जवाब हो गया। तो उम्मीद है कि ये सारे न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, है ना, और इसके बाद जब अगली क्लास में फिर मिलते हैं तो ब्रेक के बाद, तो कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं और उसमें हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो फुली आपको ये समझ में आ गया होगा, तो तब तक रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए और इसको रिवाइज कीजिए।